नमस्ते सर, प्लीज बैठिए। नमस्ते, थैंक यू। मैं सुभाष हूँ, सबके इम्पैक्ट सॉल्यूशन का ग्राहक सेवा प्रतिनिधि हूँ। हमें बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। हम लोन की डिटेल्स जानना चाहते हैं। जरूर, मैं आपको सारी डिटेल्स समझाऊंगा। सबसे पहले, हम हैदराबाद स्थित 12 साल पुरानी कंपनी है जिसका नाम है सबके। हम बैंक की सेवाएं मुहैया करवाते हैं और हमारे 20 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक हैं। हम बैंकों और अन्य RBI रेगुलेटेड वित्तीय कंपनियों से लोन और दूसरी वित्तीय सुविधाएं प्रदान करवाते हैं। हम बैंक की ओर से आप जैसी महिला व्यवसायी और उम्मीदवारों के सहयोग के लिए इस लोन की सुविधा प्रदान करते हैं। सर, हम और जानना चाहेंगे, ये किस तरह का लोन है? ये एक महिला समूह लोन है दीदी। आपको ये लोन जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कॉन्सेप्ट के तहत बैंक की तरफ से एक समूह के तौर पर मिलेगा। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप का मतलब है समूह के सभी सदस्य मासिक किश्त और लोन के पुनर्भुगतान के लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे। तो इसलिए ऐसे सदस्य चुने जो ईमानदार और जिम्मेदार हो। समूह के सभी सदस्यों के लिए लोन खत्म होने तक समूह जिम्मेदार होगा। समझ गई? जी सर। इस लोन पर ब्याज क्या है? आवेदन करते समय आपको ब्याज और किश्तों की जानकारी विस्तार में समझा दी जाएगी। अच्छा, हम इस लोन के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं सर? हमारे प्रतिनिधि आपके समूह के पास पहुंचकर आवेदन करने में मदद करेंगे। इस मामले में आवेदन में मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे पहचान के लिए पहचान पत्र और निवासी प्रमाण जैसे कुछ दस्तावेजों की जरूरत होगी। मैं इन दस्तावेजों को प्रोसेस करूंगा और बाद में हम इसे वेरीफाई करेंगे। आपके और आपके परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए एक CB यानी क्रेडिट ब्यूरो चेक भी होगा। सुनिश्चित कीजिएगा कि आप या आपके परिवार पर पहले के किसी लोन की किश्तें विलंबित ना हो। अन्यथा क्रेडिट ब्यूरो द्वारा मिले रिपोर्ट के अनुसार आपके आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, समझ गई। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार हम आवेदन के बाद परिवार की आय और व्यय के आकलन की समीक्षा करेंगे। आपको तभी उधार लेना चाहिए जब आपका पारिवारिक दायित्व आपकी आय के 50% कम हो। अपनी सुविधा के लिए आपको अधिक आर्थिक उधार नहीं लेना चाहिए। लोन के लिए आवेदन करने से पहले अपने पति या परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों से उनके क्रेडिट इतिहास की जांच के लिए सहमति लेनी होगी। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें पहले ही देने के लिए धन्यवाद। सर, क्या इस लोन राशि को जारी करने के लिए कोई शर्त है? जी हाँ दीदी, आपको लोन के आवेदन में अपने लोन का उद्देश्य और गतिविधि का उल्लेख करना होगा। उसी उद्देश्य के लिए राशि का सख्ती के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। आपके लोन का उद्देश्य वैध, नैतिक और आय पैदा करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा दीदी, आप अपना लोन किसी के साथ साझा नहीं कर सकती या किसी और को नहीं दे सकती। यदि हमारे ऑडिट में इसका पता चल जाता है तो आपका लोन रद्द हो जाएगा और आपसे एक बार में ही पूरी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। समूह के अन्य सदस्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि समूह के भीतर ऐसी कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। जरूर सर, हम सब अपने मौजूदा कारोबार में निवेश करना चाहते हैं और इस कारोबार का विस्तार करने में ये लोन हमें बहुत मदद करेगा। निश्चित रूप से दीदी। सर, हमारे विवरण और उद्देश्य के अलावा हमें आपको और क्या देने की आवश्यकता है? इतना काफी है दीदी। ठीक है, कृपया हमें बताइए कि हम अपने किश्तों का भुगतान कैसे कर सकते हैं? किश्त लेने का समय और तारीख तय की जाएगी। सबके पे ऐप का उपयोग करके हर महीने की 3 तारीख से पहले अपनी किश्त का डिजिटल रूप से भुगतान करें। साथ ही सभी सदस्यों को मासिक बैठकों में भाग लेना चाहिए, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या ऑनलाइन, जो हर महीने की 10 तारीख से पहले तय की जाएगी। बैठक का विवरण आपके साथ साझा किया जाएगा। किश्त के लिए नगद भुगतान केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। सर, कृपया हमें सब के पे ऐप के बारे में कुछ बताएंगे? जरूर, अपने फोन में
सबके पे ऐप इंस्टॉल करके आप मिनटों में कहीं से भी अपनी किश्त का भुगतान कर सकती हैं। ये एक आसान और अधिक सुरक्षित भुगतान प्रक्रिया है। हर एक किश्त भुगतान के लिए आपको आपके ऐप पर डिजिटल रसीदें और फोन पर मैसेज प्राप्त होगा। आप अपने सभी भुगतान इतिहास को अपने ऐप पर देख भी सकते हैं। लेकिन सर, इसे एक बार करके दिखाने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत होगी। उसकी चिंता मत कीजिए दीदी, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। ये बहुत सहायक साबित होगा। दीदी, आप ये सुनिश्चित करें कि अगर आपने अपना किश्त का भुगतान किया है तो हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपके लोन कार्ड को अपडेट करना मत भूलिए। जी ठीक है सर। लोन के साथ ही हम आपको और आपके जीवन साथी को, अगर वो 58 वर्ष से कम है तो जीवन बीमा प्रदान करते हैं। अगर आपके पति 58 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आप एकल जीवन बीमा के पात्र होंगे। यदि ग्राहक विधवा है या पति से अलग है या तलाकशुदा है तो एकल जीवन बीमा लागू होगा। अगर ग्राहक या जीवन साथी की लोन अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो बकाया लोन का भुगतान प्रदान किए गए बीमा की रकम से किया जाएगा। आपके परिवार को लोन चुकाने के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसे मामले में ये आवश्यक है कि दावे के लिए सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन इस बीमा का प्रीमियम कितना होगा? इसका प्रीमियम और अन्य प्रक्रिया लोन आवेदन करते समय विस्तार से समझाई जाएगी। सर, इस बीमा का जीवन अवधि क्या है? आपके जीवन में बीमा पॉलिसी की अवधि लोन प्राप्त करने की तारीख से 2 वर्ष है। ये सारी जानकारी हमें पहले ही देने के लिए धन्यवाद। आपके कारोबार के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ।